मैंने सुना है बहुत अच्छा गेम है, मैंने एक दो बार इसे ट्राई भी करा है। मैं तो बस एक दो घास तोड़ते रह गया था, ज़ॉम्बी आके मुझे मार गए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तो हम इसका नाम डालेंगे, हम इस वर्ल्ड का नाम पूछते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है माइनक्राफ्ट का, एक वर्ल्ड का नाम पूछना। तो हम इस का नाम रखेंगे हम इसका नाम रख रहे हैं वंडरलैंड्स। तो हम अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। मुझे यही उम्मीद है हमारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ल्ड आए, जिसमें बहुत सारे डायमंड्स हो। एस आई होप सो। और भाई मेरा कितना अच्छा हो भाई, सामने विलेजर, ये क्या है भाई, टर्मिनेट, ये क्या है, व्हाट इज दिस भाई। मुझे ऐसे ऐसे करने की आदत पड़ गई है, मैंने कई सालों से माइनक्राफ्ट वापस से नहीं खेला। ये क्या है भाई, ये तो एक पोर्टल लग रही है आधी टूटी हुई। सही है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहीं पे घर बसाऊंगा और मैं यहीं पे अपना घर बना लूँगा और ये होगी हमारी नेदर पोर्टल। मैं इसी से अपनी थोड़े से ऑब्जूडियन माइंड करके यही वाली पोर्टल में, भाई ये देखिए आप, लूटिंग वन और सिल टच वाली गोल्डन बूथ और ड्रेफ साइडर टू वाले वो बूथ्स। तो भाई देखिए हमें गोल्डन तलवार मिल गई है, बेन ऑफ अर्थ पावर टू लूटिंग वन और सिल टच वाली पिकैक्स गोल्ड की। तो भाई अब मैं इसी गांव को पहले लूट लेता हूँ। ये क्या है, लगता है इन लोगों ने फिशिंग के लिए बना रखा है। सही है, मैं इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर दूंगा और इसे इसमें थोड़ी फेंसेस लगा दूंगा ताकि मॉब्स ना आए यहाँ पे। ये माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स हैं कि आप कुछ भी करके इन फेंस के अंदर नहीं कूद सकते। ऐसे तो कूद सकते हैं ऊपर से, पर अगर आप ऐसे कूदेंगे बिल्कुल नहीं कूद पाएंगे। तो गाय, मैं इस गाय को मार देता हूँ। बिल्ली भी मैं इसे टेम करूँगा, दो दो बिल्ली हैं, दो बिल्ली किसी सही है। मैं एक बिल्ली को इनमें से मारना चाहता हूँ। भाई देखो मेरे पास तगड़ी स्वॉर्ड है, मर जाओ। छोड़ो भाई, नहीं कर रहे। मैंने सोचा कि मार दूंगा बिल्ली को, पर छोड़ो। यहाँ पे एक फार्मर है तो हम इसके आलू चोरी करेंगे। एक तोलने से चार आलू, किसी किसी ज़्यादा मिलते हैं किसी किसी कम मिलते हैं। मैं बस अभी इतनी पॉइजनस पोटैटो, मैं इसको अगर ये खिलाऊं तो खा ले भाई तू ये पॉइजनस पोटैटो। ये ले नहीं रहा, मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। भाई मैंने अपना एक सही वाला पोटैटो इसमें डाल दिया, मुझे पॉइजनस पोटैटो नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे फेंक रहा हूँ। मैं इधर कुछ देखता हूँ, शायद मुझे यहाँ पे कोई अच्छा मिल जाए। मुझे वाइट बेड नहीं चाहिए, तो ले लेता हूँ। और मैं रेड डाई लूँगा और मैं इसे कन्वर्ट कर दूँगा अच्छे वाले बेड में।
तो ऐसे करके मैं ये कर सकता हूँ। और भाई मैंने अभी तक क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बनाई है और मैं बेड बनाने में लगा हुआ हूँ। इसमें शायद ब्लेज रॉड उठती है। मैं शायद पहला ऐसा आदमी हूँगा जिसने आते ही ब्लेज रॉड ले लिया। ओ भाई मैंने गलती से इस विलेजर को मार दिया। अब आयरन गोलम मेरे पीछे आ जाएगा। भाई तू कुछ कहेगा तो नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना तगड़ा प्रोटेक्शन भी नहीं है, शील्ड भी नहीं है। वैसे भी शील्ड ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी आयरन गोलम के सामने। मैं अंदर जाके देखता हूँ। भाई ब्रूइंग स्टैंड मिल गया मुझे आते ही। ऐसा कौन आदमी होगा जिसे आते ही सीधे ब्रूइंग स्टैंड मिल चुका होगा। ये हमारा वॉच टावर बहुत तगड़ा है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस वर्ल्ड की ये लगी कि मुझे आते ही वो चीज़ दिख गई जिसने मुझे इतना ज़्यादा रिच कर दिया आते ही। ओके देख, अब देख पा रहे हैं कि मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी लूट आ गई है आते ही। भाई मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मैं गलत जगह टैप, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपको तोड़ के देखता हूँ। छोड़ नहीं तोड़ ला। मैं पहले पूरा विलेज चेकआउट करता हूँ। ये मेरा पॉइजनस पोटैटो हुआ चिकन। पता नहीं चिकन कैसे मर गया, फेदर भी दे दिया इसने। बैरल इसके अंदर कुछ होता नहीं खास। ये मैं बंद कर दूँ। ये इस तरफ को क्यों बंद हो रहे हैं? क्राफ्टिंग टेबल मिल गई हमें एक। ये डर्ट जो है ना वहाँ पे लगा दो। मुझे कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं? नहीं। मैं इसे तोड़ के देखता हूँ। तो अभी मुझे गोल्डन पिकैक्स मिल चुकी है। अब मुझे आयरन पिकैक्स की कोई ज़रूरत नहीं डायमंड माइन करने के लिए। मुझे पता नहीं है कि डायमंड इससे माइन कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस हम अभी, और भाई यहाँ पे घोड़ा भी है। कितनी अच्छी विलेज मिली है। और पिग्स में दो ही पिग्स हैं। मैंने बिल्कुल नहीं मारना चाहता और ना ही मैं मारूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें एक ये लेदर बूट मुझे नहीं चाहिए। जिसका है वही रख लेगा। छोड़ो। कोल्डन है यहाँ पे एक। और ये क्या टूटा फूटा गांव मिला है? वैसे है भी काफ़ी अच्छा और बेकार भी है। इस गांव के बारे में क्या कह सकते हैं? ख़त्म हो गया ये गांव इतनी जल्दी। शायद मैंने एक दो घर नहीं देखे होंगे। मैं देख लेता हूँ। मैं पता नहीं क्यों बार बार मैं इसको यहीं रखे रह दूँगा। मुझे बार बार खोदना इसे अच्छा नहीं लग रहा। अब पिग को मैंने चाटा जड़ दिया है कि कभी मेरा मन करे मैं इसे आके मार दूँ। यहाँ पे मैंने शायद चेकआउट नहीं करा था। लेदर पैंट्स की मुझे अभी ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ब्रेड भी हैं यहाँ पे। मैं दो ब्रेड्स ले लेता हूँ, अच्छे हैं। फेदर मैं मुझे नहीं चाहिए। मैं जो मैंने लिया है उसके बदले मैंने फेदर रख दिया है। इतनी सारी कैट्स हैं इस विलेज में। मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक कैट को मार दिया जाए। ओ भाई शीप। और भाई ये पता नहीं कहाँ भाग रही है। छोड़ो भाई, मुझे कोई केव ढूंढनी है अभी। तो मैं इनमें से किसी घर पे अपना बसेरा डाल देता हूँ। ये घर मेरे ठीक लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, डबल स्टोरी घर है। और यहाँ पे भाई अच्छी अच्छी लूट है बहुत। मैं लेदर पैंट्स अभी भी नहीं पहनी, पहन लेता हूँ। थोड़ी प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगी। हाफ प्रोटेक्शन बढ़ी है मेरी, कोई बात नहीं। अथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं अपना एक रेड बेड ना, मुझे रेड बेड ज़्यादा अच्छा ही लगता है। तो मैं इसको अपने रेड बेड को यहाँ रख के रिस्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट कर देता हूँ।
और ये रहा तुम्हारा येलो बेड, तो मैं इसे किसी और घर में डाल दूंगा, चिंता मत करो। सॉरी भाई, मुझे तुझसे ट्रेड करनी थी भाई, सॉरी मैं तुझसे ट्रेड करनी है, क्ले में ट्रेड कर रहा है भाई ये, और ये स्टोन में भी ट्रेड कर रहा है भाई। ये सही बंदा है, मैं इसे मारना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि ये सही बंदा है, अच्छी अच्छी ट्रेड्स कर रहा है। अब मैं जा रहा हूँ माइनिंग के लिए भाई। मैंने इतना सब कर लिया, पर मैंने एक भी अभी पेड़ नहीं काटा है। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने अभी पेड़ नहीं काटा है। मैंने इनको लूट लूट के इतना सामान कर दिया है। मैं इन सबको यहाँ पे रख देता हूँ, जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 5 ब्रेड्स ले जाना चाहता हूँ, चल ले जाते हैं 5 ब्रेड्स, देखी जाएगी जो होगी। तो अभी शायद रात होने वाली है, पर मैं माइनिंग पे जाऊँगा। सिल्क टच है मेरे पास, मैं इस पिकैक्स से डायमंड और माइन कर सकता हूँ। सही है भाई, कुछ माइनिंग करते हैं। भाई इससे तो मैं ग्रास ब्लॉक भी माइन कर सकता हूँ। हाँ भाई देखिए, इससे पूरा पूरा ग्रास ब्लॉक आ रहा है, पर ये गोल्ड चीज़ें बहुत जल्दी टूटती हैं, इसलिए मुझे सील टच मेरी ज़्यादा देर तक तो रहेगी नहीं, मुझे इतना अच्छे से पता है। रात हो गई, चलो चलते हैं अपने घर पे, और देखते हैं अगर कोई आया होगा तो अच्छा कुछ होगा तो उसके वेकअप कर देंगे। कोई आया तो नहीं भाई? आ ही गया फिशरमैन है, वीक रिजर। पता नहीं ओपन जेट्स में पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या जगह है। मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई है आज नई सुबह। और भाई आयरन गोलम, ये गुस्सा हो रहा है, कहीं आयरन गोलम पीटने ना लगे। मेरे पास खुफिया प्लान है इस आयरन गोलम को मारने का, पर मैं इसे मारूंगा नहीं, वरना किसी दिन अगर रेड आ गई तो मैं तो उसे हैंडल कर नहीं पाऊंगा, मुझे पता है अच्छे से। बहुत स्लो चलता है खाते हुए, तो मैं अब तेज चल पा रहा हूँ। ये जगह मैंने चेकआउट कर ली है, तो अभी मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे कोई गुफा ढूंढनी है दूर दराज की। यहाँ स्नो भी है आसपास, मुझे यहाँ से दिख रही है, आपको शायद दिख रही हो, उस पहाड़ पे स्नो है। और वाह गुफा मिल गई हमें, मेरे पास टॉर्चेस ही नहीं है, कोई थी शायद यहाँ पे कोई मिल जाए। और भाई सिल्ट अच्छे, तो अगर हम कॉबल स्टोन लाइन करेंगे तो देखिए आप स्टोन निकलता है, सिल्ट अच्छे माइन करोगे तो स्टोन निकलेगा। और आयरन ओर, वो तो ओर ही मिलेगी आयरन की, इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है, आयरन की ओर सी मिलती है। हमें गोल्ड पिकैक्स आयरन नहीं मिलता भाई, मुझे आज पता चला कि गोल्ड पिकैक्स आयरन नहीं मिलता। मैंने इतने सारा आयरन वेस्ट कर दिया, गोल्ड पिकैक्स बेकार है पूरी। मैं जाके कुछ अच्छा बना लेता हूँ, बेकार सी गोल्ड पिकैक्स ले आया मैं इसे सेफली रख दूंगा, अगर मुझे कभी भी इसकी ग्रास ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा उसे, ले लूँगा मतलब इसे जाके। अगर हम इसे माइन करें तो क्या मिलेगा? तो भाई ये क्या है भाई, हमें पूरी वैसा वाला ब्लॉक मिला है, ग्रास पाथ, ये पाथ्स हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। ये पाथ मैं क्लियर कर देता हूँ, भाई मैं इससे क्यों माइन कर रहा हूँ जब मेरे पास सिल्टच की पिकैक्स है, मुझे इससे माइन करना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लगा देता हूँ, सिंपल। मैं ये काम बाद में भी कर सकता हूँ, मुझे पहले गोल्ड की पिकैक्स रख के आनी है।
मेरा घर है गांव, तभी मुझे अपने घर के आगे कुछ बनाना चाहिए बड़ा सा। ये है मेरा घर, तो मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। मेरे घर के पीछे ये दो ब्लॉक्स रखे रहेंगे। अगर आगे से आऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, पर मैं कुछ भी करके ढूंढ ही लूँगा मेरा घर। वैसे मेरा घर नहीं है ये, मैंने इन विलेजर्स का हफ्ता लिया है। ये बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मैं घंटियाँ बजाता हूँ ज़रा, ये तुरंत भागते हैं अपने घर की तरफ अगर घंटियाँ बजती हैं। मुझे देखना है मेरा घर तो किसी, अब कोई मेरे घर पे सोता ही नहीं है, सबको पता चल गया कि हाँ ये मेरा घर है। और भाई यहाँ पे एक और विलेज का घर है, इस घर पे तो मैं आया ही नहीं, सीक्रेट लोकेशन। और सीक्रेट जगह पे भी कुछ तगड़ा नहीं था, तो मैंने एक कैप तो पहन ली। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे अपना घर बनाऊँ, क्योंकि ये जगह सही जगह है। और ये देखिए थक गया है माइंड कट करके। भाई मैं सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा वर्ल्ड मिला है, शायद इतना अच्छा वर्ल्ड किसी को मिला हुआ, पर मुझे मिल गया फर्स्ट ट्राई में ही। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल तो बना ली है, यहाँ पे रख के मैं बना लेता हूँ एक पिकैक्स। और यहाँ पे मेरे पास लकड़ियाँ कम पड़ गई हैं, तो मुझे लकड़ी भी खोद के लानी पड़ेगी। तो इससे तो शायद ये भी तोड़ सकता हूँ। हाँ भाई सही है, ये ब्रिज लीव्स हैं, काफ़ी सही चीज़ मिल गई मुझे। फिल्टर इतनी इजीली नहीं मिलती है किसी को भी, जितनी इजीली मुझे मिल गई। तो गाइस यहाँ पे हमें एक और वुड मिल गई है। भाई मैं बहुत थक गया हूँ गेम खेल के। ये गेम ज़्यादा खेलते हो तो आप भी बोर हो जाते हो, इसमें माइंड कर करके थक जाते हो आप। और फिर गुस्सा आता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मैं यहाँ पे इसलिए चढ़ा था, मेरी क्राफ्टिंग टेबल घूम गई थी मुझसे, और वही मुझे देखना था कहाँ पे है, तो मैं ये बना लेता हूँ एक शॉर्ट भी। चलो अब हम ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के अपने घर पे निकलते हैं। जब तक हमारे पास तगड़े तगड़े टूल्स नहीं आ जाते तब तक, और टॉर्च जब तक नहीं आ जाती तब तक इस गेम में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। तो मैं जल्दी जाके माइनिंग। ओ भाई मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने ये वुडन पिकैक्स बनाई क्यों, सही बताओ मैंने वुडन पिकैक्स बनाई क्यों क्यों कोई मुझे बताओ। जब मेरे पास स्टोन था तो मुझे स्टोन की पिकैक्स बनानी चाहिए थी। वैसे यार इसमें कोबल स्टोन मिलता है, स्टोन तो कोबल स्टोन को वो करने से मिलता है। अरे हाँ मैं सही में बहुत बेवकूफ़ हूँ। कैक्स कैसे बनती है भाई, कैक्स ये बैरलेस स्टोन से बनती है पिकैक्स, मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो ये पता स्टोन से बनती है। शायद मुझे कोबल स्टोन चाहिए इसके लिए, कोबल स्टोन लगता है सिल टच की पिकैक्स माइन करने से ही मिलता है। सही है भाई, कोबल सिल टच की पिकैक्स माइन करने में स्टोन मिलता है। अब देखिए अब हम बना पा रहे हैं कोबल स्टोन से।
चलो अब हम इसको तोड़ लेते हैं। एज़ पर यूजुअल मेरा मन कर रहा है साली होम को मार दूँ, पर मारूँगा कैसे? आइडिया भाई, ये यहाँ पे ही घूम रहा है तो इसे मारना ही ठीक रहेगा। मैं मर गया, शिट यार मैं मर गया। मेरा मन कर रहा था कि मैं घर में घुस जाऊँ जल्दी से, उसने ऐसा धक्का दिया पीछे से कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो रहा वो आयरन गोलम, अभी तो गुस्सा नहीं है भाई। अब मैंने तो ये बस एक शॉट मारी, तूने मुझे पूरा मार दिया था, अब तो गुस्सा नहीं है। चलो अब गुस्सा नहीं है ये मेरी शॉट, इसने छीन ली क्या मेरी शॉट? कहाँ है भाई वो? यस मैं छोड़, फिर मेरे इतने सारे टूल्स कहाँ गए? ये कहाँ है? वेट अ मिनट, वो हैं क्या मेरे टूल्स? वही हैं शायद, वहाँ कैसे पहुँच गए वो? भाई बहुत खराब पाते हैं टूल्स हैं, ये चीज़ें गायब कहाँ हो रही हैं? अच्छा मैं ये ना पेन ले रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ये फास्ट वे है इन्हें पहनने का। माइंड करते करते आप अपनी चीज़ें पहन सकते हो। गुड वे, मैं एक सेकंड के लिए इतना डर गया कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी गई, और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं आज। माइनक्राफ्ट खेल के मैं बोर हो गया बिल्कुल, सही में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा इस गेम में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और अगले एपिसोड में मैं डायमंड्स ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बाय बाय।